ये है मजेस्को का शेयर और इसका प्राइस चल रहा है 12 रुपीज 20 पैसे। इसमें 974 रुपीज की लगभग फॉल आई है, 98% की इसमें फॉल आई है। क्या हमें अब ये शेयर खरीदना चाहिए? क्या इसकी वैल्यूएशन अभी सही है और इतना प्राइस क्यों गिरा है? इस सब की डिटेल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं इस सर्कुलर में जो 15 दिसंबर को आया था। मैंने इसी दिन एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पूरी डिटेल दी है, वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो 15 दिसंबर को कंपनी ने 974 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया था और इसकी रिकॉर्ड डेट रखी थी 23 दिसंबर, जो कि आज है। तो 23 दिसंबर यानी आज की रिकॉर्ड डेट में जिसके पास भी ये शेयर पड़े हैं उनको कंपनी 974 रुपीज का डिविडेंड देने वाली है, या 974 रुपीज उनको 30 दिसंबर तक, 30 दिसंबर तक मिल जाएंगे। तो कंपनी का रेट जो चल रहा था वो चल रहा था 986 रुपीज और कंपनी ने डिविडेंड दिया है 974 रुपीज का, तो इसका वैल्यूएशन बैठता है 12 रुपीज। 12 रुपीज पे ये शेयर काम कर रहा है तो इसमें कोई गिरावट नहीं है। 98% की जो गिरावट दिख रही है वो सही नहीं है। एक्चुअल में इसने कंपनी ने पूरे की पूरी पेमेंट अपने शेयर होल्डर्स को कर दी है। अब उसके पास जो रिजर्व बची है वो है 103 करोड़ की, प्लस इसके अलावा इनके पास बची है इनकी रियल इस्टेट। इन दोनों को जोड़कर लगभग इनके पास 120 करोड़ के आसपास पेमेंट बची हुई है। तो ये पेमेंट इन्होंने रोक के रखी है, या तो टैक्स पेमेंट या फिर कोई भी लायबिलिटी इनकी आ जाती है कंपनी की, उसके लिए ये रोक के रखे हुए हैं, जो ये शेयर धारकों को बाद में पेमेंट करेगी। तो ये है कंपनी की कैश अवेलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान। तो इन्होंने 974 रुपीज डिविडेंड के रूप में अपने शेयर धारकों को दे दिए हैं और इन्होंने बचाए हैं लगभग 103.1 करोड़, जो कि रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद में अपने शेयर धारकों को दे देगी। इस 103 करोड़ को निकाला जाए तो इसकी वैल्यूएशन लगभग बैठती है 36 रुपीज। तो इस कंपनी की रियल वैल्यूएशन होनी चाहिए 36 रुपीज, प्लस इनके पास जो बचा हुआ है वो है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में आ जाती है इनकी बिल्डिंग्स, इनकी जमीन, ये सारे को मोनिटाइज करने में लगभग कंपनी बोल रही है 1 साल के आसपास लगेगा। तो इसका वैल्यूएशन लगभग 4 से 5 रुपए बैठता है। तो इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग ये वैल्यू 40 रुपीज बैठती है, या 43 के अप्रॉक्स अगर इवेल्युएटेड वैल्यूएशन पे माना जाए तो 43 42 के आसपास ये वैल्यू बैठती है। लेकिन अभी शेयर का प्राइस चल रहा है 12.2 रुपीज। तो क्या हमें इसे खरीदना चाहिए? तो हाँ, इसमें हमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें अपनी कैपिटल का लगभग 10% तक हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इस कंपनी के पास में इतने पैसे बचे हुए रह जाते हैं, इनकी कोई भी टैक्स की लायबिलिटी या कुछ निकल के नहीं आती है, तो ये सारे के सारे पैसे कंपनी अपने शेयर धारकों को दे देगी, जिसकी वैल्यूएशन 36 रुपीज बैठती है। एक्चुअल में ये कंपनी वाइंड अप हो चुकी है, ये कंपनी खत्म हो चुकी है और इसने अपने पूरे बिजनेस को समेट लिया है और पूरी की पूरी अमाउंट जो इनके पास पड़ी हुई है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर रही है। अगर इस 103 करोड़ में मान लेते हैं कंपनी के पास सारी टैक्स वैक्स अगर कुछ भी लायबिलिटी निकल के आ जाती है बाद में, या कहीं से भी कुछ भी लायबिलिटी निकल के आती है, तो मान लेते हैं 60 करोड़ बच जाते हैं, 40 करोड़ लगभग खर्च हो जाते हैं, या कहीं पे इनकी रेगुलेटरी अप्रूवल के कारण ये पेमेंट अटक जाती है, तो भी इस कंपनी की वैल्यूएशन 21 रुपीज के आसपास बैठती है। और अभी कंपनी का रेट चल रहा है 12.2 रुपीज, तो काफी अच्छा एप्रिसिएशन मिल सकता है अगर ये अमाउंट भी कंपनी के पास बचा रह जाता है, जिसकी उम्मीद बहुत ज्यादा है, लगभग 80-90% कह सकते हैं ये अमाउंट पक्का बचा रहना चाहिए। तो काफी अच्छा, हर शेयर होल्डर को इतना अमाउंट कंपनी के द्वारा दे दिया जाएगा, वो भी नेक्स्ट डिविडेंड के रूप में। और अगर मान लेते हैं ये पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी के पास बचा रह जाता है तो कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है 36 रुपीज, जो कि काफी अच्छी वैल्यू है। लगभग यहां से ये ट्रिपल अमाउंट दिखा रहा है, मतलब 12 रुपए का शेयर लगभग 36 रुपए हो जाएगा, तो 3 टाइम्स इसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। और इसके अलावा अगर रियल इस्टेट की वैल्यू इसमें जोड़ ली जाए तो लगभग ये अमाउंट बन जाता है 40 से 42 रुपीज के आसपास, तो लगभग 3.5 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर सारी की सारी कैलकुलेशन हमारे एज पर एक्सपेक्टेशन जाती है तो। और अगर ये अमाउंट नील हो जाता है तो इस शेयर का प्राइस 12 रुपीज से 0 रुपीज के आसपास पहुंच जाएगा। अगर रियल इस्टेट को भी हटा दिया जाए तो इसका वैल्यू 0 के आसपास पहुंच जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है, क्योंकि कंपनी एक अच्छी कंपनी है और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कभी निराश नहीं किया है। काफी अच्छा वैल्यूएशन इसने दिया है और डिविडेंड के रूप में इसने पूरा का पूरा पेमेंट करके अपनी सत्यता और अपनी अच्छाई दिखा दी है। तो
तो अभी हमें इसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर मान लेते हैं आपके पास 100 रुपए हैं, तो आपको सिर्फ 10% ही इसमें इन्वेस्ट करना है। यानी अगर 100 रुपए हैं तो सिर्फ 10 रुपए का ही शेयर इसमें खरीदना है। मान लेते हैं आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, तो इसमें 10,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। या तो ये 10,000 का 40,000 पहुंच जाएगा, या फिर ये 10,000 का 0 हो जाएगा। और अगर ये 40 रुपए 42 रुपए के आसपास आपको हो जाता है ये अमाउंट, तो आपको लगभग रिटर्न मिल जाते हैं 350%, जो कि काफी अच्छा परसेंटेज माना जा सकता है। और ये एक कैलकुलेटेड रिस्क कहा जाएगा, क्योंकि हमने पूरी की पूरी अपनी पूंजी पे दाव नहीं खेला है, हमने एक बहुत ही छोटे से भाग पर ये दाव खेला है। इस वीडियो में मैं जो भी बता रहा हूँ वो एकदम एजुकेशनल पर्पज से ही बनाया गया है वीडियो। निवेश से पहले अपने CA से जरूर कंसल्ट कर लें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।